अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हमने बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स जो है उसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन जो हो रहा है उसको स्टडी करने को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो अब ये एनर्जी जो है ये कहाँ से आ रही है? एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है हमारे पास सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी। तो अब ये एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, और ये जो एनर्जी का फ़्लो हो रहा है इसी फ्लो के थ्रू जो है वो डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़, लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं ये हर तरह की लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो है ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये दोनों जो हैं हमने आज डिस्कस करने हैं मेथड्स या फिनोमेनन्स। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं इनका एक दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यानी एटम्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब वो एक्सचेंज हो रहा है तो अब एक्सचेंज के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तो देन उस प्रोसेस का नेम ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो देन उस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज़ रिडक्शन? रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जब होंगे तो इनको हम एक दूसरा नाम भी है इनका, वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो देन साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शन भी अक्कर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी का सोर्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर या इसकी लोकेशन क्या है। तो ये मैटर करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें एनर्जी जो है एनर्जी का गुड सोर्स है या बैड सोर्स है, ये डिपेंड करेगा इसकी लोकेशन और अरेंजमेंट के ऊपर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये स्टेबल एसोसिएशन में होंगे, यानी ऑक्सीजन के अंदर एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्टेबल होंगे, एसोसिएट हुए होंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए होंगे। क्यों जुड़े हुए होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एबिलिटी है, अफिनिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मतलब स्टेबल कंडीशन में होगा तो तब जो है वो ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच टू सम अदर एटम लाइक कार्बन और हाइड्रोजन एटम दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। अब जब हम इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करके ले जाएंगे किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एटम के पास, अब वो दूसरा एटम कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। तो अब कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका जो एसोसिएशन होगा वो अनस्टेबल होगा। अब ये अनस्टेबल एसोसिएशन है तो अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोबारा से कोशिश करेंगे ऑक्सीजन के पास वापस जाने के लिए, ऑक्सीजन के साथ स्टेबल एसोसिएशन बनाने के लिए। तो जब ऑक्सीजन के पास ये दोबारा जाएंगे तो देन जो है वो एनर्जी का रिलीज़ होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होगी।
दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी का सोर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। कैसे? जब वो ऑक्सीजन एटम के साथ बाउंड हैं तो देन वो उनका जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा स्टेबल है और वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। लेकिन जब ये ड्रैग करके इनको किसी और एटम के पास ले जाया जाएगा तो देन जो है उनका अनस्टेबल एसोसिएशन होगा और वो अनस्टेबल एसोसिएशन से वो स्टेबल एसोसिएशन की तरफ जाना शुरू करेंगे और स्टेबल एसोसिएशन के लिए वो ऑक्सीजन के पास दोबारा जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास दोबारा जाने के लिए जो है एनर्जी का रिलीज़ होगा और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉज बनेंगे एनर्जी के रिलीज़ होने का। तो देन ये वाली एनर्जी जो है वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होगी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा होता है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो स्टडी किया था रिडॉक्स रिएक्शंस का या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस का। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है उनका लॉस हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे थे और जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था तो उसको हम रिडक्शन कह रहे थे। लेकिन अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे बल्कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा और रिडक्शन के अंदर जो है वो गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो है हमें पता है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस वन हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो क्या है, ये एक हाइड्रोजन एटम को जो है लॉस कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, इसका मतलब है एक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। एंड सिमिलरली जब भी एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन एटम को गेन करेगा तो वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस हमारे पास आ गया। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, या हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम में हो रहा है। और रिडक्शन में इसके ऑपोजिट हो रहा है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या हम कह सकते हैं रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली आपकी बुक में भी शो किया गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, या फिर हम इसको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ए जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और बी जो है बी के पास पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, अब बी ने जो है ए से गेन कर लिए हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, तो बी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और बी जो है कंपाउंड इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो कल के टॉपिक में हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। आज का हमारा टॉपिक था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।